हाय फ्रेंड्स, दिस इज जगत सरकार एंड दिस इज गोपाल सिंह। सब्सक्राइब करें theworldcricket.com और बेल आइकॉन प्रेस को दबाएं रेगुलर वीडियोस अपडेट देखने के लिए। थैंक यू। এবং আজকে প্রথম টসে জয়লাভ করে কনকপুর সর্ববঙ্গলা ক্রিকেট একাদশ তারা ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরোজনে রান আউট হয়েছে। এবার কিন্তু চালিয়েছেন মিসকানেক্টেড শট, দেখা যাক কি হয়। ওখানে দুজন ফিল্ডার আছেন এবং সুন্দর একটি ক্যাচ নিলেন। কাইতে কাইতে পটেল আর চুক বাইটে সিধে সে যাকার স্টাম্পার বল আউট হয়ে আদ্রিকা কি গেন্দবাজ রাহুল বর্মা নে अब ये गेंद और हवा में कैच की संभावना है। कैच के पीछे प्लेयर भी है जरूर और कैच भी साबित किया दोनों हाथों से। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का लय समय। महित अपने गेंद फेंकेंगे। विकेट थोड़ा सा प्लिक रन आउट की संभावना थे, मिस कर बैठे हैं। और क्या रन आउट हो सकता है, क्या मौका गवाएंगे या नहीं। और हाँ, ये अंतिम समय पर नहीं पहुंचे। এবং আবার আউট, আবার আউট। এপার বাংলা অপার বাংলা একদম একদম পয়লা বৈশাখে আমরা আবার কিন্তু স্কাইং বেলুনিং ইনটু দ্য স্কাই এন্ড ইট হ্যাজ বিন টেকেন। Right into the block hole. Batsman had nothing to do but to play it into the direction of the bowler. और अच्छे तरीके से अब तक अभी गेंद टप्पा देने के ही बाद सुरक्षित ढंग से रक्षात्मक तरीके से गेंद को एक ग्लांस तो देखे किंतु हमारा एक्जोनर को था मौने पड़ लो करके एक चौका लगाए थे आपको मालूम होगा। आकाश की गेंद রক্ষমাশা তরিকে সে গেন্দ কো ঢকেলা বোলার কি ছোড় পর ক্রিসমাস কাপের প্রথম সেমিফাইনালে চলেছেন। এবার কিন্তু ফুল টস বল ছিল, ক্যাপিটালাইজ করতে পারেননি। ওখানে শঙ্কর হাসদা ম্যান ফ্রম ইউপি তিনি কিন্তু ফিল্ডিংটা করলেন। এক্সট্রা কভার অঞ্চলে একটি রান সংগ্রহিত হচ্ছে। আকাশ গেন্দ ফেকেঙ্গে লম্বে রান অফ সেম। এবি গেন্দ টপা দিয়া গেন্দ কো দেখা ওর জানে বদ দিয়া উইকেট কিপার কে হাতো মে তাদের কিন্তু এটা ফলো করতে বলবো। अब ये गेंद कलाई को सारे मोड़ने का कोशिश था लेकिन अंतिम समय पर गेम और बल्ले के बीच से सही टाइमिंग्स नहीं मिला। रन आउट की भी संभावना थे लेकिन नहीं, सही समय पर पहुंचा छठ विकेट के नुकसान के बाद। राहुल को बुलाया कप्तान ने। राहुल ने अभी तक अपना जो ये अंतिम राहुल वर्मा तैयार। जगत सरकार के लिए गेंद बहुत ही खटाक सा टाइमिंग से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंडलैंड से बाहर चार रनों के लिए। दिस फोर इज स्पॉन्सर्ड बाय P99 देवराज ढाबा होटल क्लासिक माँ बासुंती अरुण खुटिया। फंस चुके थे राहुल वर्मा की गेंद टप्पा देने के ही बाद जोरदार अपील लेकिन एक गेंद को भी पुल करना चाहते थे मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। अच्छे खासे सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं। अब ये गेंद स्क्वायर ड्राइव खेलना चाहते थे कवर ड्राइव लेकिन अंतिम समय पर गेंद को देखा और स्क्वायर ड्राइव किया
और गेंद को सिली पॉइंट पर फील्ड किया गया। जगत सरकार ने एक सिंगल से पलटे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। उन लोगों को भी अभिवादन करना, कहते कहते अच्छा टाइमिंग्स और लॉन्ग ऑन के ऊपर से कोशिश अच्छा था गेंद को कैरी करने का, कैरी नहीं कर पाए और अंतिम समय पर बाउंड लाइन के ऊपर ये 6 रन मिलता हुआ। इसी छक्कों के साथ अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर की गति को आगे लेकर बढ़ाया। छोटे विकेटर पतन घटे गेछे किंतु रान अवशेष आस्ते आस्ते किंतु आउटसाइड द ऑप्स्टम बैट्समैन किंतु बॉलटी के देखे शुने छेड़े दिलेन। मैच किंतु आबार 50-50 चलेछेन। हिमांशु खूब सुंदर भावे टैप पॉइंट अंचले, ওখানে ফিল্ডার আছেন ছুটছেন, একটি রান সংগৃহীত হয়েছে এবং ব্যাটসম্যান উড হ্যাভ টু বি স্যাটিসফাইড উইথ দি সিঙ্গেল। লাকি কে বিচ হিমাংশ কে গেন, শর্ট পিচ গেন থা লেকিন আচ্ছে তরিকে সে ফায়দা নাই লে পায়ে, খুদ কো নিরাশ হোঙ্গে। পিছলে দেখে থে কি জো ক্রিকেট কে ভালোবেসে আজকে এসেছেন তাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন। এবার চালিয়েছেন এবং 6টি রান। The Six has been sponsored by Hotel P99, Hotel Paradise, Debra's Dhaba, Ma Bashanti Hotel and Dhaba and Arun Khotia. Once again, consecutive success from Jagat Sarkar. इस छक्के से देखा जाए तो दर्शक कितने खुश हैं, बहुत खुश लग रहे हैं आज दर्शक। तो इनमें से पता चलता है कि दर्शक चौका और छक्का यानी कि बाउंड्री देखना चाहते हैं, विकेट से ज्यादा बाउंड्री देखना चाहते हैं। टपा दिया शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को लिया हरे बल्ले से, काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद को चढ़ाया, काउ कॉर्नर और मिड विकेट के बीचों बीच से P99 डेब्रस धाबा होटल क्लासिक मां बासंती अरुण खुटिया। जगत सरकार और एक कहते कहते लेता हुआ काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। हेलो इसी छक्कों के साथ हेलो आ जाए तो उनका ही नाम है जगत सरकार। এবার কিন্তু আর করতে পারলেন না, ওভার মে 4 গেন্দ হাওয়া মে আগেন সুন্দরভাবে ফ্লিক করেছিলেন কিন্তু ওখানে বোলার ফিল্ডিং করবেন, কোন রান সংগৃহীত হলো না। অর্থ দেখনে কে লিয়ে গেন্দবাজ পর হিমাংশু ফ্লাইটেড ডেলিভারি কিস তরিকে সে গেন্দ ফেকে মিড উইকেট কে উপর সে, লেকিন জগত সরকার কো রোকনা ইতনা নামুমকিন बन चुके हैं, इस समय मुमकिन नहीं हुआ। 6 रन। द सिक्स इज स्पॉन्सर्ड बाय P99 देवराज धाबा होटल क्लासिक मां बासंती अरुण खुटिया एडवोकेट फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट। एकदम 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 शतम तुम ठीक ही बोलेছো। চলেছেন হিমাংশু এবং 50 রান পূর্ণ হলো জগৎ সরকারের। क्या हुआ जगत की फिफ्टी से खुश है कि नहीं? स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन पक्ष से हम जगत सरकार के अभिनंदन जाना चाहिए ना। एक ओवर खेला थी अब आ चले छेन ऊपर जो पूरी सिक्स, इट्स रनिंग सिक्सेस हियर।
The six has been sponsored by Hotel P99, Hotel Paradise, Debraj Dhaba, Ma Bashanti Hotel and Dhaba Classic Inn ebong 85 tomo chokka hoye gelo. আবার চালিয়েছিলেন ফ্লাইটের ডেলিভারি ফক্সিং দ্য ব্যাটসম্যান সুন্দরভাবে কামব্যাক করলেন চলেছেন হিমাংশু টেম্পল এন্ড থেকে এবার কিন্তু লোয়েস্ট টাইপ অফ ডেলিভারি ডাইং ইনটু দ্য গ্লাভস অফ দ্য উইকেট কিপার তাসতিন ওভারে চোপ রান করেছেন ক্যাপ্টেন কে বিশ্বাস আছে আকাশ কে উপর আকাশ কে গেন্দ টপ্পা দেনে কে বাদ अंदर के तरफ जाते हुए गेंद जगत सरकार ने अंतिम समय पर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन लास्ट ओवर इज इट प्रोग्रेस कपू जगत सरकार इस समय लेफ्ट आर्म बैट्समैन दाहिने हाथ से खेलने का कोशिश था जगत सर से अब तक 26 गेंदों में 58 रन बनाए थे अच्छा ऑन ड्राइव लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील किया गया एवं शब्दम हां कापू किंतु बेश ভাল বল করছেন শেষ ওভারটা टपा दिया अच्छे तरीके से गेंद को लिया लेना चाहते थे कवर के ऊपर से लेकिन गेंद अंतिम समय पर स्लिप पॉइंट पर जाकर पहुंचा डीप पॉइंट के फील्ड्समैन ने जाकर पॉइंट पर गेंद को फील किया तैयार जगत गेंद अच्छा टाइमिंग से गेंद को लिया स्ट्रेट ड्राइव किया लेकिन वहां पर ऑफ के खिलाड़ी ने जाकर स्ट्रेट पर गेंद को फील किया इनमें से एक रन मिला जायद जायद के लिए था गेंद हवा में कैच की संभावना जगत सरकार और सबको कर दिया आर पार हौसला से इस मैच को जीत बनाया और फाइनल में ये मैच आज के बैनर गुलो के मारिए जाबेन ना बंधुरा दर्शक বন্ধুদের বলছি কাল পরশু আমাদের খেলা রয়েছে পিচের উপরে একটু চলে যাও পিচটাকেও মারাবেন না ব্যানার গুলোকেও মারিয়ে যাবেন না প্রচুর দর্শক সমস্ত উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই টান টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে অবশেষে জয়লাভ করলো কনকপুর সর্বমঙ্গলা ক্রিকেট একাদশ